देखो, आप लोग मुझे दवाई के बारे में पूछते हो ना। एक्चुअली पहले मैं बता दूँ, मैं ऑफिस आई ना, मैं सो गई थी और अभी मैं जस्ट उठी हूँ। मेरा ऐसे ही है, टायर्ड हो गई थी, सो गई थी। चलिए कोई बात नहीं। आप लोग ना मुझे दवाई के बारे में पूछते हो, ट्यूब के बारे में पूछते हो, तो देखो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना फेस पर। अगर मल्टी विटामिन चाहिए, फेस से रिलेटेड दवाई चाहिए या ट्यूब चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट से दिखाने के बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करना। जिससे क्या होगा ना, अगर आपको पता भी चलेगा कि आपकी स्किन पर वो ट्यूब, चाहे कोई सा भी ट्यूब क्यों ना, स्किन से रिलेटेड वो अगर आपको सूट करा है तो आपको पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं, पहली बात, कोई भी मेडिसिन अगर आप अपने फेस पर क्रीम, मेलाज़मा या दूसरी चीज़ भी अगर लगा रहे हो, तो अगर वो आपको दिख रहा है कि हाँ उसमें 2 महीने में या 1 महीने में फ़र्क दिखता है भाई, 2 हफ्ते में ही दिखने लगता है, अगर नहीं दिख रहा है तो स्टॉप हो जाना। वो क्या करेगा ना, आपकी स्किन को अंदर से पूरा सेंसिटिव बना देगा, तो वहीं स्टॉप हो जाना। तो आप बार बार ये मत पूछो, दीदी हम ये क्रीम लगा सकते हैं, हम ये मेडिसिन खा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप खाओ, अगर आपको लेना है, खाना है, तो अपने माइंड से डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर के पास जाकर लेना। मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ, जिससे क्या होगा ना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है ना, जब आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ आप, अरे हम कोई चीज़ लगाते तो हमें मालूम चलता है कि हाँ हमारी स्किन पर वो सूट करे या नहीं कर रही है। कुछ चिलचिल पिलपिल सी लगती है ना, कुछ मिर्ची ऐसा भी लगता है। कोई कोई क्रीम्स ऐसे होती है जो सेंसिटिव होती है स्किन, तो वहाँ पर ना थोड़ा सेंसिटिव भी दिखाती है। तो आप ना उस समय थोड़ा देखना, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि हाँ मेरा रेडनेस आ रहा है या मुझे इसे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप हो जाना, ज़बरदस्ती मत घिसते रहना, वरना वो आपके फेस को धीरे धीरे ब्लैक कर देगा 6 मंथ के अंदर ही। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करना।